हेलो डियर, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं लेकर आप सभी के नेक्स्ट सब्जेक्ट का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके GNM सेकेंड ईयर का है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबको तैयारी किए होंगे, और जो अभी नहीं तैयारी होगा बचे हुए क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ नॉलेज प्लस एग्जाम दोनों के दृष्टिकोण से, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो होगा वह मेंटल हेल्थ नर्सिंग से और मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग से। ठीक है, मनोरोग और जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उससे रिलेटेड जो है आपको मानसिक स्वास्थ्य और मनो नर्सिंग के बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका GNM सेकेंड ईयर, सभी राज्यों के लिए आप जो है ये इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर एक ही स्टेट के लिए काम देगा, नहीं, पूरे नर्सिंग का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में इक्वल है, तो आप कहीं से भी आप इसका तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हाल फिलहाल में जिनका एग्जाम होने वाला है एक दो महीना में, वो तो बिल्कुल इससे जो है अपना रेगुलर रिवाइज रेगुलर जो है प्रैक्टिस कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है प्रश्न है आपके सामने में, देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पे आपके सामने जो है वो है, एक अच्छी मनोचिकित्सक नर्स में क्या गुण होते हैं। मतलब सीधा यहाँ पे जो पूछ रहा है साइकेट्रिक नर्स के गुण पूछ रहे हैं, तो आपको गुण लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एक अच्छे नर्स का गुण होता है। आगे है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। वही क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ भी पढ़ना है, बट यहाँ पर मानसिक रोगियों के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानसिक रोगियों को जब हम भर्ती करेंगे, जब डिस्चार्ज करेंगे, तो उसके प्रोसीजर प्रक्रिया के बारे में वर्णन करें। आगे है, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद आता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। आगे यहाँ पे जो है कह रहा है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है, भूमिका पूछ रहा है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में। ओके, आगे है, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण क्या होता है, MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसके विभिन्न जो घटक है उस घटक के बारे में बताना है। ओके, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़ जोड़ के भी पूछ देगा। मानसिक रोगों से संबंधित कौन कौन से भ्रांतियाँ यानी मिसकंसेप्शन है उसको बताना है, मिसकंसेप्शन यानी गलत अवधारणा। ठीक है, आगे है, मनोरोग अस्पताल में एक नर्स की कानूनी जिम्मेदारी क्या क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में या मनोरोग के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। आगे है, डिलेरियम और डेमनेशिया के बारे में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें, यानी फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहा है। मानसिक रोगी के अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी आपसे लीगल राइट्स पूछ रहा है मानसिक रोगियों का, तो उसके क्या क्या कानूनी अधिकार है बताना है। अब यहाँ पे मूड डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर और मनोचिकित्सक पर चर्चा करें। ठीक है, यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोपैथोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, और साथ में ये भी पूछ रहा है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर वाले मरीजों का क्या क्या प्रबंध करेंगे। ठीक है, जो कि पढ़ा चुके हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, विभिन्न साइकोथेरेपी के सूचीबद्ध करें, विभिन्न साइकोथेरेपी जो है उसको आपको सूचीबद्ध करना है, लिस्ट बताना है। ठीक है, आगे है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, वो था नर्स की भूमिका, यहाँ पे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी पूछ रहा है। आगे है, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में बताना है, और टीम के इकाई के तरह काम करने का यानी टीम के क्या महत्व होगा वो बताना है, तो मेंटल हेल्थ टीम आपको बता ही दिए थे। मानसिक मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता का वर्गीकरण। EPS के बारे में पूछ रहा है, EPS आपको बताना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। मेंटल मैकेनिज्म के प्रकार लिखे और संक्षिप्त में सबका वर्णन करें, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए नर्सिंग प्रोसेस यानी जो नर्सिंग प्रोसेस होता है, नर्सिंग जो प्रक्रिया है वो बताना है, आपको पता है चरण प्रक्रिया बता ही चुके हैं ना। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया के बारे में इसके प्रकार के लिखकर संक्षिप्त में वर्णन करना है, और इसका मैनेजमेंट नर्सिंग देखभाल यानी मैनेजमेंट समझाना है। आगे है, ECT क्या है, ECT का क्या निर्देश क्या अनिर्देश होता है लिखना है, और ECT के प्रक्रिया में नर्सिंग देखभाल बताना के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और इसके मरीज को आप कैसे तैयार करेंगे ये भी पूछता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक
तौर से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषता कैरेक्टरिस्ट पूछ रहा है मेंटली हेल्दी पर्सन का। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है, ठीक है, इसके प्रकार लिखकर संक्षिप्त में वर्णन करना है और नर्सिंग देखभाल बताना है साइकेट्रिक इमरजेंसी में। आगे है मानसिक अस्वस्थता क्या है, इसके कारण और मानसिक अस्वस्थता का उपचार बताना है, ठीक है, मानसिक स्वस्थ अस्वस्थ दोनों इम्पोर्टेंट है। आगे है आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के कारण बताते हुए उसके रोकथाम को लिखें, ठीक है, सुसाइड के बारे में है, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, NHAHP के उद्देश्य व रोकथाम का संक्षिप्त में वर्णन करें, ठीक है। आगे है ड्रग एडिक्शन क्या है, ड्रग एडिक्शन के कारण लिखें, इन आदतों से ग्रसित युवाओं के लिए कौन कौन सी एजेंसियाँ कार्यरत है जानकारी दें सरकार के द्वारा, ओके। OCD क्या है, OCD के चिन्ह लक्षण बताएं, ठीक है, ओबेसिन कंपल्सर डिसऑर्डर, OCD के नर्सिंग प्रबंध बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, आगे चलिए। या अन्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भय क्या है, भय के प्रकार बताएं, भय के मरीजों का नर्सिंग प्रबंध, तो फोबिया हो गया। आगे है बिहेवियर थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में, डिप्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है, NPR उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध के बारे में, ठीक है, उसके बाद है उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध के घटक के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन है इसी में इसके बैरियर के बारे में पूछेगा, NPR के बैरियर क्या क्या हैं, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी व्यवहारिक चिकित्सा, फैमिली थेरेपी पारिवारिक चिकित्सा, ठीक है, और यहाँ पे मनोरोग साइकेट्रिक इमरजेंसी जो कि ऊपर में हो ही गया है, मनोरोग आपातकाल, मनोरोग आपातकाल के प्रकारों का सूचीबद्ध करें और संकट के बीच बचाव की व्याख्या करें, यानी क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नर्स के सभी गुणों को सूचीबद्ध करना है, गुण को लिखना है। एंड यहाँ पे आज का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फार्मेकोलॉजी क्या है, साइकोफार्मेकोलॉजी में नर्स की भूमिका बताना है, और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ दवाई दे देगा, साइकोटोपिक ड्रग दे देगा, मानसिक दवाइयाँ, और उसके जो है आपसे पूछेगा नर्सिंग रोल पूछेगा, उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी पूछेंगे। जैसे एंटीसाइकोटिक का उदाहरण देकर बताना है, एंटीकमेनी का उदाहरण देकर बताना है, एंटी डिप्रेशेंट दवाइयाँ का उदाहरण देकर बताना है, आपसे दे देगा एंटी एंजाइटी का ड्रग का नाम पूछ देगा, तो ये चीज़ें आपको बताना रहेगा, ठीक है, चीज़ों को समझ गए। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, वह है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रकार और कम्युनिकेशन का जो है प्रकार के साथ में कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल से पूछेगा, तो कम्युनिकेशन भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे, जो लोग इतना कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले